बैक फेयर्स गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे पैरालिसिस पे, पर बात करने से पहले हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है जी? मिसेस कबीर बात कर रही हूँ। मिसेस कबीर कहाँ से? कराची से। कराची से जी। मिसेस कबीर, पहले तो पोल का जवाब देंगे आप जी। मेरा ख्याल तो माफ नहीं करना चाहिए। माफी नहीं किया? नहीं, माफ ही नहीं करना चाहिए। फिर इसी बंदे में ट्रस्ट किस फायदा, क्या फायदा है कि जो उसने पहली दफा में धोखा दे दिया, नेक्स्ट में भी वो देगा, है ना? बिल्कुल देगा, और बल्कि बहुत अच्छे तरीके से देगा। फिर तो और बढ़ के देगा फिर। हाँ तो बिल्कुल, डबल, यानी कि कहते हैं एक दफा डसा हुआ, ये तो डबल डबल दस देगा। वेरी ट्रू। कभी क्या होता है कि कभी आप कोप अप कर पाते हो उस चीज से, कभी नहीं कर पाते। हाँ आपको नहीं पता आपके सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल, जब उसने फर्स्ट टाइम ही धोखा दिया तो नेक्स्ट टाइम तो उसको बल्कि और बड़े अच्छे एतमाद के साथ वो दे सकता है, तो लिहाजा उस पर एतमाद ही ना कीजिए। ये मिसेस कबीर क्यों कह रही हैं? किस चीज से रिलेटेड कह रही हैं? मैं तो रिश्तेदारी के से भी कह रही हूँ और बिजनेस ऑफ फ्रेंड्स के हिसाब से भी। ये वैसे सही बात है, बिकॉज दिल भी नहीं मानता, फिर समझ नहीं आता कि नहीं यार, जब एक बार ये कर सकते हैं तो और दोबारा कर। ये जो टाइम पीरियड है इसमें तो मैं कहती हूँ किसी पे भी एतमाद नहीं करना चाहिए, ना अपनों पे ना गैरों पे। वेरी ट्रू। खुद एतमादी सिर्फ अपने ऊपर होनी चाहिए ताकि किसी धोखे से बच जाए। सही। वैसे ही सामने जो इंसान होता है ना, उसकी मेच्योरिटी लेवल और उसकी जो है ना, उससे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह रिस्पांसिबिलिटी लेता है। किसी पे एतमाद है ही नहीं ना, सामने वाला इतना प्लॉडिक बात करता है कि यकीन नहीं आता कि ये हमें धोखा देगा, वही धोखा दे जाता है, वही धोखा दे जाता है। हम लोग देखते रह जाते हैं ये क्या हुआ। हाँ, ये क्या हुआ, हमने ऐसा तो नहीं। और यकीन करें मेरे साथ तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, मैं बिल्कुल एतमाद करती हूँ, अंधा एतमाद, सामने वाले को समझती हूँ जैसे मैं खुद हूँ ऐसे ही वो है, लेकिन वो ऐसे बुरे तरीके से डसता है ना कि समझ में नहीं आता यार इसने भी ऐसा कर दिया, अब किसके ऊपर एतमाद किया जाए। सही। अच्छा, कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे इसे फिजियोथेरापी के बारे में पूछना था कि जैसे बैक में दर्द है या घुटनों में दर्द है, अगर फिजियोथेरापी करवाते हैं तो क्या ये रेगुलर करवानी पड़ती है? अगर फायदा हो जाए तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए या उसको रेगुलर रखना चाहिए? अगर रेगुलर रखते हैं तो मैंने ये सुना है कि अगर रेगुलर रखते हैं तो आपको फायदा मेडिसिन से नहीं होगा जब तक आप फिजियोथेरापी नहीं करवाती हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम पे डिपेंड नहीं करता कि प्रॉब्लम क्या हुई है पेशेंट को? हाँ, प्रॉब्लम मुझे जैसे घुटनों में पेन होता है ना, कोई रीजन तो नहीं है? इसमें विटामिन डी का डेफिनेशन बताया था कम है ना, तो उसमें कम होने की वजह से फिर उन्होंने कहा था फिजियोथेरापी भी करवाई है, उसके मेडिसिन भी ली थी। मैंने फिजियोथेरापी तो नहीं करवाई थी लेकिन इंजेक्शन लगवा दिया था मैंने विटामिन डी का ना, ठीक है, तो उससे काफी फायदा हुआ। लेकिन अब बैक में दर्द होता है तो कहते हैं कि फिजियोथेरापी करवाएं, वो मैंने कभी करवाई नहीं है, तो मुझे यही पूछना था कि करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, मेडिसिन से आराम आ जाना चाहिए था। और दूसरा एक और मुझे एक काम था लैकर साहब से। हाय हाय, कल अगर तो कल आप लिखवा लीजिए मेरा नाम, आप ये कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए, ठीक है? चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, फिजियोथेरेपी का तो ऐसी कोई डिपेंडेंस तो नहीं है ना? फिजियोथेरेपी नहीं, डिपेंडेंसी नहीं है कोई भी, लेकिन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स जो हम होम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स बनाते हैं उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करना होता है, बिकॉज दो हफ्ते की फिजियोथेरेपी से आपके मसल्स जो हैं वो कम्प्लीटली अपनी स्ट्रेंथ रीगेन नहीं कर सकते। तो वो आप हमें जो होम प्रोग्राम देते हैं आप घर पर कंटिन्यू करें, 2 महीने 6 महीने जितने के लिए भी हमने दिया है, उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वैसे भी सर्टन एज के बाद एक्सरसाइज को रूटीन बना लेना चाहिए ताकि हम और प्रॉब्लम्स फेस नहीं करें। नहीं करें। और बैक में भी क्लियर है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी से डेफिनेटली एक्स एंड पेन्स बढ़ जाते हैं, वो जैसे लेवल सही होंगे तो वो पेन्स इनके बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। सर ने खुद ही बताया कि इंजेक्शन से इनको काफी फायदा हुआ। हां बिल्कुल। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो एक्चुअली बैक पेन या किसी पेन के साथ आ रहे हैं, हम उनको ट्रीट कर रहे हैं और कोई हम डायग्नोसिस नहीं फाइंड कर पा रहे होते हैं, तो इवेंचुअली हम चेक बोलते हैं विटामिन D3 आपने चेक कराया, जैसे चेक कराते हैं वो बहुत लो लेवल्स पे होते हैं और जैसे ही लगते हैं वो पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये मैजिक हो गया। एग्जैक्टली। नहीं नहीं, सीरियसली, वो जो सुबह उठते हैं तो ना इतने थके हुए, उनसे बिस्तर से नहीं उठा जा रहा होता, विटामिन डी के इंजेक्शन के 1-2 दिन के बाद अगर आप अपने आपको चेक करें आपको खुद ही लगता है ये हुआ क्या मेरे साथ, यू नो, नो पेन एट ऑल। अच्छा जी, अब हम थोड़ा पैरालिसिस से बात करते हैं सर। सबसे पहले तो बताइए पैरालिसिस का क्या मतलब है? पैरालिसिस का मतलब है बाजू में से एक या दोनों टांगे को कमज़ोर होना, कमजोर या चेहरे के ऊपर कोई कमज़ोरी आना। तो पैरालिसिस बेसिकली जो है ना, या एक साइड के भी हो सकते हैं, दोनों साइड के भी हो सकते हैं, चारों हाथ पैरों के भी एक साथ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वजह क्या है। कंप्लीट एंड पार्शियल पैरालिसिस। कंप्लीट पार्शियल अपनी जगह, लेकिन ये कि इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट किस लिम्ब की, हाँ किस साइड की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों साइड है। ब्रेन से अमूमन जो इन्वॉल्व होते हैं यूजुअली वो एक ही साइड होते हैं, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, या इनफैक्ट जो है ना सिर्फ जो है ना लोअर लेग वगैरह या सिर्फ आर्म वगैरह भी सिर्फ जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं।
और ये जो कॉर्ड्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बेसिकली, वो भी खैर लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर सर्वाइकल से हो तो शायद चारों हाथ पैर भी जा सकते हैं, और अगर इससे नीचे हो तो सिर्फ दोनों टांगें भी जो है ना पैरालाइज हो सकती हैं। अब वजूहात बेतहाशा हैं। ओके अच्छा सर, क्या रीजंस क्या होंगे इस पैरालिसिस के, इस तरह जो हो जाता है एकदम से? अगर हम कहते एकदम से फालिश का अटैक आ रही है, क्या एकदम से कुछ नहीं? जी, जो फालिश की जो मशहूर जो बात है वो जाहिर है जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं वो ब्रेन से ही होते हैं। ब्रेन में जो है जो भी मतलब हमारा जो ब्रेन है इसमें इसका राइट जो साइड है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पेशेंट के लिए तो वो यही होता है ना कि मेरा एक साइड कमज़ोर हो गया और उनको लगता है कि शायद फालिश का मतलब यही है कि बस ये इस हाथ पैर के ऊपर ही कुछ हो गया है। असल में ज़ाहिर है हम एज ए मेडिकल पर्सन वो तो हमें पता है कि ब्रेन से ही मसला होता है। उसमें जो एक्यूट ये जो एकदम ऑल ऑफ सडन जो इस तरह की वीकनेसेस वगैरह हो जाती है उसमें मोस्ट यानी यूँ समझ ले कि जो टॉप मोस्ट रीज़न है वो यही ब्लड प्रेशर वगैरह इन चीज़ों की वजह से, या तो कोई दिमाग के अंदर कोई शरियान फट जाती है जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, या फिर ये कि उसके अंदर कोई क्लॉट फंस जाता है जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। ये दोनों इस तरह के और कॉमनली एक तरह से हम लोग जो देखते रहते हैं ये वो स्ट्रोक है जो कि अमूमन हम देखते रहते हैं और इसी की वजह से, यही वजह है, ये मेन वजह मोस्ट ऑफ द टाइम यही वजह होती है। यूँ समझ ले कि कोई 100 में से कोई 80% 90% हमें बात करते हैं, कॉल है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राफिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस जावेद बोल रही हूँ। अरे मिसेस जावेद आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं देख रही हूँ आपका प्रोग्राम, अच्छे अच्छे आज क्वेश्चन आप बड़ा अच्छा कर रही हैं सब ये कॉलर से के, क्या आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आप कुछ कहना चाह रही हैं कि अगर आपको कोई धोखा दे तो क्या आप उसको दूसरा चांस देंगे? देखिए एक फ्रॉडी बंदे को तो पहला भी नहीं देना चाहिए, तो पता ही नहीं होता ना कि फ्रॉडी है, तो जब पता चल जाए तो एक हदीस है ना कि मोमन एक ही दफा डसा जाता है। Exactly, that's पाकिस्तान में तो मोमन अल्लाह करे कि बने, वो तो यहाँ तो बल्कि फ्रॉडियों को वो समझते हैं कि वो बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, जबकि आपको जॉर्जिया में और कजाकिस्तान में भी उनको लोग बुरा समझते हैं। तो हम तो कभी भी माफ नहीं करेंगे और कभी भी दूसरा चांस नहीं देंगे, और बल्कि लोगों को भी ये कहेंगे कि दूसरा चांस ना दें, बल्कि उनकी इतनी वो करें कोई भी ना उनको दूसरा चांस दे। And you make sure कि आप दूसरे को बता दें कि I forgive you, but I will not give you any chance. नहीं, I will not forgive anybody जो कि जो trustworthy ना हो उसको कौन forgive? जो trustworthy ना हो उसको forgive क्या करना है, उसके क्या नंबर बढ़ाना है? हाँ भी। बाकी मुझे ये बता दें कि सुबह सुबह जो आप कह रही हैं body में pain हो या रात को भी हो दिन को भी हो तो उसके लिए best medicine क्या है जो कि खाई जाए? तो इसके तो reason find out करना पड़ेगा मिस्टर जावेद। रीजन एच भी कभी लो हो जाता है कभी ये, तो वैसे जो वीकनेस बेसिकली जो होती है जनरल वीकनेस। अच्छा चले हम इन रीजंस पे बात करते हैं कि इस तरह बॉडी एक बगैर किसी रीजन के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी सर, हम माइनर रीजंस पे बात कर रहे थे कि पैरालिसिस के माइनर रीजंस क्या हो सकते हैं। अब वो रीजंस माइनर तो नहीं होते, मतलब जो कम सामने आते हैं हमारे उसमें फिर यही सारी जो चीजें आ जाती है जिसमें ट्यूमर्स होते हैं, कुछ जो है ना वास्कुलर एनोमलीज होती है जिसको हम कहते हैं आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस होते हैं, फिर ट्रॉमा हेड इंजरीज वगैरह आ जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो कि शायद शुरू में पता नहीं चल रहे होते और बाद में जब पेशेंट रिकवर कर रहे होते हैं तो एक साइड या दूसरा साइड कमज़ोर पाया जाता है, एनकेफलाइटिस वगैरह हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शंस कहीं से उड़ के जिस्म के किसी भी हिस्से से उड़ के मतलब अब मैं उसको क्या ब्लड कोई ब्लड के थ्रू जो है ना वो जाते हैं जैसे मिसाल के तौर पर किसी को हार्ट के कोई जो है ना जैसे बच्चे होते हैं उनके जो है ना वेल्वुलर कुछ डिजीजेज होती है जिसमें से कोई पस पार्टिकल्स इस तरह से जाते हैं, या ईयर के इन्फेक्शन बहुत लंबे अरसे से चल रहे होते हैं वो आगे इंट्रूड करके, ये मल्टीपल वो रीजंस है। इसमें रीजंस बताने का मकसद ये है कि ये जो शुरू के दो रीजंस बताए इसमें अमूमन जो वीकनेस हो गई सो हो गई, वो भी ठीक है डिपेंड करता है कि अगर कंप्लीट है तो बिल्कुल उसमें तो कोई रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन ये कि अगर पार्शियल होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब किसी हद तक इंडिपेंडेंस आ जाता है वक्त के साथ साथ फिजियोथेरेपी वगैरह इन सारी चीज़ों के साथ आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो कम कॉजेज़ हैं लेकिन ये कि ये यूजुअली ट्रीटेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़रूरी नहीं है ये भी ट्रीटेबल हो,
उसमें भी बहुत सारे वजूहत हैं। कुछ चीज़ें जो सिर्फ उन एरियाज को जो कि हमारे हाथ पैरों की ताकत की जगह है उसको सिर्फ अगर प्रेस कर रहे होते हैं और उस ट्यूमर को या कोई भी एनोमली हो, पैथोलॉजी हो, उसको अगर आप निकालते हैं तो वो वीकनेस ख़त्म हो जाती है, मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो कुछ ट्रीटेबल है, कुछ अनट्रीटेबल है, लेकिन ये कि यही ओवरऑल यही कॉजेज होते हैं ब्रेन के अंदर। अच्छा सर, हमारे पास एक पैकेज है जी पैरालिसिस पे बना हुआ, पहले वो पैकेज चल के देखते हैं फिर फर्दर बात करते हैं। जिस्म के किसी हिस्से की हरकत या एहसास का खत्म हो जाना फालिज कहलाता है। किसी अजू का फड़कना, ठंडा पड़ जाना या सुन मालूम होना फालिज होने की अलामत है। ठंडी चीजों का बकिसरत इस्तेमाल, रीढ़ की हड्डी में चोट, वरम, जरासीमी असर, किसी अजू या नसों का कट जाना या कुचल जाना इसके असबाब हैं। जिस्म इंसानी में आसाब हिस्सो हरकत का जरिया है। इनके मरकज में मसलन दिमाग या नखा में कोई खराबी या रुकावट पैदा हो जाए या आसाब की शाखों में कोई रुकावट पैदा हो जाए तो इसके नतीजे में ये मर्ज लाहक हो जाता है। 40 साल की उम्र से जायद मरीज का इलाज मुश्किल है। फालिज के इलाज में एंटीबायोटिक अद्वियात देना मुफीद है। माहिरीन का कहना है कि बाकायदगी के साथ मुनासिब इलाज इस बीमारी को कंट्रोल और ठीक करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है।